आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल्फ थॉट वर्सेस बीएफए डिग्री। तो इन दोनों की हम लड़ाई करवाएंगे और देखेंगे कि कौन जीतता है। कहने का मतलब है कि आपको सेल्फ थॉट आर्टिस्ट बनना चाहिए या आपको बीएफए की डिग्री करनी चाहिए, कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना चाहिए, उस पर आज हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सो देखो, मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सपोर्ट करा है कि आप बीएफए की डिग्री ही करो। ऐसा इसलिए करा है, क्यों करा है मैंने, वो मैं आपको आगे जो है बताऊंगा। देखो, अगर हम सेल्फ थॉट चूज़ करते हैं और अगर हम बीएफए की डिग्री करते हैं तो देखो क्या होता है। मान के चलो ये रवि है और ये अमन है। अमन ने क्या फैसला लिया, दोनों ही ट्वेल्थ में थे, तो रवि ने सोचा कि मैं ट्वेल्थ करने के बाद अपने पैसे बचा लूँगा, ठीक है, और अपनी कॉलेज की फ़ीस बचाऊँगा, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस बचाऊँगा और मैं खुद से करने की कोशिश करूँगा, सेल्फ थॉट आर्टिस्ट बनूँगा। वहीं अमन ने सोचा कि मैं डिग्री कर लेता हूँ। दोनों ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे, ठीक है, मैं दोनों का एक तरह सिचुएशन भी बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे। तो अमन ने सोचा कि मैं डिग्री करता हूँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। तो अमन ने जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करी, ठीक है, एक साल में उसका नहीं हुआ, उसने सेकेंड ईयर भी दिया। वहीं रवि उस पर हंस रहा था कि तेरा तो एक साल में हुआ नहीं और तू क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेगा। रवि ने सोचा कि मैं खुद से सीखूंगा। तो रवि ने क्या पाथ यूज़ किया, रवि ने यूट्यूब से सीखना चालू किया। तो रवि यूट्यूब से सीखता रहा, आर्ट सीखता रहा, ड्राइंग सीखता रहा, कभी किसी की वीडियो देखता, कभी किसी की वीडियो देखता, कभी किसी की वीडियो देखता और हमेशा कन्फ्यूज़ ही रहता कि यार मैं ये करूँ वो करूँ ये करूँ वो करूँ। तो रवि ने थोड़ा बहुत कहीं से ग्रिड से बनाना सीख लिया और रवि ग्रिड से ही ड्रॉ करने लगा, स्केचेस करने लगा और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर डालने लगा वीडियोस वगैरह, ठीक है। वहाँ पे भी उसको ग्रोथ नहीं मिली थी सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसका काम अच्छा नहीं था। रवि प्रपोर्शंस में गलतियाँ करता था और उसको पता नहीं था कि वो प्रपोर्शंस में गलतियाँ कर रहा है, उसको लग रहा था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऊपर से वो यूट्यूब से कुछ भी मेथड सीख रहा था, कुछ भी टेक्निक उल्टी सीधी सीख रहा था और वो कर ही जा रहा था। वहीं अमन ने क्या किया, अमन ने सेकंड ईयर में अमन का जो है क्लियर हो गया बीएफए का एंट्रेंस एग्ज़ाम और वो कॉलेज ऑफ आर्ट में पहुंच गया। एक तरह से हम सिचुएशन बना रहे हैं, ठीक है। तो कॉलेज ऑफ आर्ट में अमन पहुंच गया, अब वहाँ पे उसने चार साल की डिग्री करी, ठीक है। वो डिग्री में उसने फर्स्ट ईयर दिया, फर्स्ट ईयर में उसने बहुत अच्छा काम सीखा, ठीक है, अपने सीनियर से सीखा और अपने दोस्तों से भी सीखा, कुछ टीचर्स उसको अच्छे मिले सिखाने वाले, वहाँ से भी उसने सीखा, प्लस उसने एक मेंटोरशिप, एक आर्टिस्ट मेंटोर बनाए, उनसे सीखा, उसने ऐसे मेंटोर से सीखा जो उसको बेसिकली इंटरनेशनल टेक्निक सिखा रहा है। तो रवि अगेन स्ट्रगल में लगा रहा। वही अमन ने क्या किया, अमन ने शॉर्टकट अपनाया, उसने डिग्री करी और जब तीन साल की चार साल की उसकी डिग्री कंप्लीट हुई तो अमन को एक अच्छा पैकेज भी मिला, 1 लाख पर मंथ की अब उसको जॉब भी मिल गई, ठीक है। अब अमन क्या कर रहा है, अब जॉब कर रहा है, लेकिन रवि वहीं पर फंसा हुआ है। रवि वहीं पर ही कुछ स्केचेस ही बना रहा है, सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स ही बना रहा है, वही वो डाल रहा है इंस्टाग्राम पे। उसके कुछ 10-20 हज़ार फॉलोवर भी हो गए पर उसको कुछ कमीशन वर्क तो मिल रहे हैं, 10-15 हज़ार रुपये कमा पा रहा है महीने के, वो बस इतना ही कमा पा रहा है, यहीं तक ही वो सीमित होकर रह गया है। वहीं अमन महीने के 1 लाख रुपये कमा रहा है और अच्छी जगह जॉब कर रहा है, अच्छी उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। तो वहीं रवि ने अमन से पूछा कि यार तू इतना आगे कैसे निकल गया और मैं इतना पीछे कैसे रह गया। तो अमन ने उसको बताया कि देख, मैंने डिग्री करी, मेरे कनेक्शन बन गए, अब मैं एग्जीबिशन भी लगवाता हूँ, ठीक है, और कहीं मेरे को काम करने जाना होता है तो मैं वो काम भी कर लेता हूँ। तो रवि ने बोला कि यार मुझे भी कुछ काम दिलवा दे, तो अमन ने उसको काम दिलवाया, लेकिन रवि वो काम नहीं कर पाया क्योंकि उसको वो टेक्निक्स, वो पेंटिंग वगैरह आती नहीं थी, वो सिर्फ स्केचेस ही बनाना जानता था, वो भी ग्रिड से, तो उसको प्रपोर्शंस भी नहीं आते थे। तो अमन ने फिर उसको बताया कि किस तरीके से सीखना होता है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है एज एन आर्टिस्ट। और रवि यही सोचता रहता था कि यार आर्ट में कोई करियर ऑप्शंस ही नहीं है, आर्ट में कोई करियर ही नहीं है, कोई मुझे जॉब ही नहीं देता, कोई काम ही नहीं देता, क्योंकि रवि के पास स्किल भी नहीं थी, उसको काम भी नहीं आता था, उसको जॉब कौन देगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दो सिनेरियो बताए हैं। अब दूसरे सिनेरियो में रवि क्या कर सकता था, वो किसी सेल्फ थॉट यानी किसी अच्छे आर्टिस्ट से सीख सकता था, सीख के उसे ट्रेनिंग ले सकता था। और फिर देखो, मैं यहाँ पे दोनों ही सिनेरियो बता रहा हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हो अगर आपको सेल्फ थॉट बनना है या आपको बीएफए की डिग्री करनी है, ठीक है। देखो, जब आप बीएफए की डिग्री कर लेते हो ना तो उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है, यानी कि आपकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपका काम मीडियोकर भी होता है तो भी आपको जॉब मिल जाएगी अच्छी खासी, आर्ट डायरेक्टर की, ठीक है, बहुत सारी जॉब्स होती हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया भी है। दूसरी तरफ अगर आप सेल्फ थॉट आर्टिस्ट बनते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। तो मैं दोनों ही बताऊँगा,
अगर आप सेल्फ थॉट बनना चाहते हो या आप जैसे भी बनना चाहते हो। प्लस मेरा फोकस यही होगा, देखो सेल्फ थॉट के चक्कर में ना पढ़ के आप डिग्री करो, ठीक है। बहुत सारे आर्टिस्ट आपको बोलते होंगे कि देखो डिग्री में कुछ नहीं रखा, डिग्री बेकार है, डिग्री को बहुत ज़्यादा रोस्ट करते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से करते हो। प्राइवेट कॉलेजेस की उतनी वैल्यू नहीं होती इतनी गवर्नमेंट की होती है। कॉलेज ऑफ आर्ट, जामिया, जे कॉलेज ऑफ आर्ट, BHU, ये शांति निकेतन, ये बहुत बड़े कॉलेजेस हैं और इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। इन कॉलेजेस से आप BFA करने के बाद आपको जॉब चुटकियों में मिल जाती है, बहुत ईजिली आपको जॉब मिल जाती है, जबकि प्राइवेट से आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है जॉब वगैरह ढूंढने में, काम ढूंढने में, क्योंकि प्राइवेट में आपके इतने कुछ कनेक्शन भी नहीं बनते हैं। तो क्या होता है, जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो आपके कनेक्शन अच्छे अच्छे बन जाते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट में फॉरनर्स भी आते हैं आपकी पेंटिंग देखने के लिए, वो भी आपकी पेंटिंग देखते हैं, एग्जीबिशन लगती है हर साल और बहुत अच्छे लेवल पे एग्जीबिशन होती है कॉलेज में। मैं आपसे चाहूँगा कि अगले साल जो कॉलेज ऑफ आर्ट में एग्जीबिशन लगेगी आप उसको विजिट ज़रूर करना, आपकी आँखें खुल जाएंगी कि किस लेवल का काम है यहाँ पे, कि किस लेवल का काम आप फर्स्ट ईयर से लेके आप MFA तक का काम देख सकते हो, तो आपको पता लगता है कि किस लेवल का काम यहाँ सिखाया जा रहा है, किस लेवल का काम कर रहे हैं लोग, क्या क्या लोगों की कनेक्शंस बन रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है, साथ साथ में सेल्फ थॉट अगर आपको बनना है, देखो अपनी सिचुएशन देखो, अगर आप 30-35 साल के हो गए आप डिग्री नहीं कर सकते, आपको सेल्फ थॉट ही बनना है, तो उसके लिए मैं आपको रास्ता बताने वाला हूँ कि आपको सेल्फ थॉट आर्टिस्ट कैसे बन सकते हो। देखो सेल्फ थॉट बनने के लिए आपको डिग्री वाले आर्टिस्ट से 5 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको सबसे जो इजी तरीका है कि आप किसी अच्छे आर्टिस्ट से सीखो, आप मुझसे भी सीख सकते हो, हमारी आर्ट इंसेन अकेडमी में आपको जो मैं सिलेबस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सिलेबस इंटरनेशनल सिलेबस है, जो सिलेबस मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप उसको सीख के इम्प्रूव कर सको, तो आप मुझसे भी सीख सकते हो। उसके लिए आप अकेडमी के नंबर पर मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सिलेबस की वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, देखो। और आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको जॉब वगैरह करनी है तो आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के बेस पे भी जॉब वगैरह ले सकते हो, ठीक है। सो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अगर आपको सेल्फ थॉट बनना है तो उसके लिए मैंने आपको रास्ता बता दिया कि आप सीखो, सीख के इम्प्रूव करो और इंटरनेशनल मेथड्स को सीखो, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा जो है इम्प्रूव कर पाओ। उसके बाद होता ना कि आपको अपने कनेक्शन बनाने, अब कनेक्शन कैसे बनेंगे, देखो कनेक्शन बनाने के लिए ना आपको आर्टिस्टों से दोस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी आपके आर्ट मेंटोर से आप सीख रहे हो, अगर आप मुझसे सीख रहे हो या आप किसी भी आर्टिस्ट सीख रहे हो, तो अपने आर्ट मेंटोर से आप अच्छी एक बॉन्डिंग बना के रखो, ठीक है। आर्ट मेंटोर्स जो होते हैं ना आपके, उनके भी कनेक्शंस का आपको फ़ायदा मिलता है, वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। जैसे मैं अपने स्टूडेंटों का काम प्रमोट करता रहता हूँ, तो उससे क्या होता है, जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं कई बार उनको वो देखते हैं उनका काम, और उनसे क्या होता है उनको जो है काम मिल जाता है मेरे स्टूडेंटों को, या मेरे पास जो काम आता है, ठीक है, या मेरे पास ज़्यादा काम आ गया, ठीक है, तो मैं वो काम अपने स्टूडेंटों को प्रोवाइड करा देता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट उस काम को कर लेते हैं, तो इससे उनकी कुछ अर्निंग हो जाती है, ठीक है, इससे उनकी फ़ीस भी निकल जाती है उल्टा, तो ये भी एक बेनिफिट होता है। दूसरा आपका बेनिफिट होता है कि आप कॉलेजेस में जाओ, आर्ट इवेंट्स को अटेंड करो, आर्ट कॉम्पिटिशन में जाओ, आर्ट एग्जीबिशन में जाओ, ठीक है। एग्जीबिशन अभी करो मत, क्योंकि अभी आपका काम उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है, तो आपके उसमें पैसे खर्च हो जाएंगे, तो एग्जीबिशन मत करो अभी। एग्जीबिशन करने की बजाय आप एग्जीबिशन को विजिट करो, ठीक है। आर्टिस्टों से बातचीत करो, उनके नंबर्स लो, उनके कॉन्टैक्ट्स लो, ठीक है, उनसे अच्छी बॉन्डिंग बना के रखो, ठीक है। साथ साथ और जितने भी कॉलेजेस होते हैं ना BFA वगैरह के, जो कॉलेजेस में जाते हो, तो वहाँ पे जाओ, कॉलेज में जाओ, ठीक है, वहाँ से दोस्ती करो लोगों के साथ। इवेंट्स में जाओगे तो ज़्यादातर आपकी दोस्ती होगी आर्टिस्टों के साथ, तो उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अगर आप कॉलेज नहीं गए हो तो कॉलेज में नहीं गए हो तो कॉलेज के बाहर से ही दोस्त बनाओ ज़्यादा। अगर आपका एक दोस्त बन गया जो कॉलेज कर रहा है, BFA कर रहा है, तो उसके और दोस्त होंगे, वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे, तो इस तरीके से लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी। आपको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा बाहर जाओगे जितना दोस्त करोगे उससे आपके कनेक्शन बनते चले जाएंगे आर्टिस्टों के साथ, और आर्टिस्टों के साथ कनेक्शन बनेंगे, उनके कनेक्शन से भी आपके कनेक्शन बनते हैं, तो ऐसे ऐसे करके आपकी छोटी सी एक चेन बनती चली जाती है। सो ये इसका भी आपको बेनिफिट मिलता है बहुत ज़्यादा। अगर आप थोड़ा बहुत काम सीख गए हो तो आप आर्टिस्ट के साथ जुड़ के इंटर्नशिप भी कर सकते हो, किसी भी आर्टिस्ट के साथ आप उससे उसके साथ इंटर्नशिप कर सकते हो, उसका काम करके दे सकते हो, तो उससे भी आपकी कनेक्शंस बनेंगे वहाँ पे। ये मेन तरीका, देखो सेल्फ थॉट बनने के लिए आपको दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, अच्छे मेंटोर पे, ठीक है, अपने सीखने के ऊपर कभी कंजूसी मत करो।
भले ही आर्ट मटेरियल के ऊपर इन्वेस्ट मत करो इतना शुरू में, लेकिन अपने सीखने के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के ऊपर कभी मत शर्माओ, कभी मत अटको उसमें। बहुत से जो मैंने रवि का एग्जांपल दिया ना यूट्यूब से सीखने वाला, यूट्यूब में अगर आप सीखने की कोशिश करते हो तो आप उलझ के रह जाते हो, कुछ नहीं सीख पाते उसमें। तो जब आप अपनी नॉलेज पे खर्चा करते हो ना, कि आपने मान के चलो 10,000 रुपये महीने की फ़ीस दी, आपने 5,000 रुपये महीने की फ़ीस दी, आपने 3,000 रुपये महीने की फ़ीस दी, तो आपको लगता है कि हाँ मेरी फ़ीस जा रही है, तो आप उसको प्रैक्टिस करते हो, आप उसकी वैल्यू करते हो वहाँ पे, ठीक है। तो आप लाइव क्लासेस लो, वो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने कनेक्शंस पे फोकस करो, अपने कनेक्शंस बढ़ाओ। तो ये दो चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो आप सेल्फ थॉट आर्टिस्ट अच्छे बन सकते हो, और अगर आप डिग्री कर सकते हो तो फिर तो उससे बढ़िया बात और कुछ हो ही नहीं सकती, कि आप डिग्री करके आपको सब कुछ थाली में परोस के मिल जाता है। देखो सेल्फ थॉट में क्या होता है ना, कि आपको आपके पास एक प्लेट है, उसमें आपको उठा उठा के हर एक चीज़ ला के रखनी पड़ेगी खाने के लिए। और BFA की डिग्री में क्या होता है ना, कि आपको पूरी थाली अच्छे से एक परोस के दे दी जाती है कि लो भैया खा लो, ये होता है BFA करने के बाद। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप डिग्री करो, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको आर्टिस्ट बनना है तो आप बिना डिग्री के भी बन सकते हो, ठीक है, सेल्फ थॉट रह के भी बन सकते हो। हर आर्टिस्ट बनने के लिए आपको सिर्फ हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है अपने ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको सेल्फ थॉट बनना चाहिए या आपको एक डिग्री वाला आर्टिस्ट बनना चाहिए या आपको BFA करनी चाहिए, एक तरीके से बोला जाए तो, ठीक है। अच्छा, आई होप की क्लैरिटी मिल गई होगी। कोई बात हो, कोई भी आपकी क्लैरिटी ना हुई हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। इस तरह की और भी वीडियोज़ अगर चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और मुझसे क्लासेस लेने के लिए आर्ट इंसिन अकेडमी के नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, इसमें कि आपको सिलेबस वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपकी क्लासेस जो है कब से स्टार्ट होंगी, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। फीस वगैरह का स्ट्रक्चर होगा वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो।